आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In this question, we have given a wire of resistance R1, each cut into five equal pieces. These five pieces of wire are then connected in parallel. If the resultant resistance of this combination, P R2, Then the ratio of R1 by R2 हमें क्या फाइंड आउट करना था आर टू the तो इस तरह से अगर हम डायग्राम देखे मान लेते इस तरह से हमारे पास कोई एक वायर था यहाँ पे हमारे पास ये वायर था क्वेश्चन में कह रहा है इस पूरे वायर का हमारे पास जो रजिस्टेंस था वो हमारा कितना हो जाएगा आर वन गिवेन है मान लेते वायर की जो लेंथ थी कितनी है एल है ये हमारा लेंथ ऑफ द वायर है एंड क्रोसेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर से कितना हमारे पास ए है ये हमारा क्रोसेक्शन एरिया है

अब यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो जब ये फाइव इक्वल पार्ट्स को आप अलग करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहने वाला है इट मीन यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर जनरल फॉर्मूला देखो इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास रो क्वेश्चन बाई एस रजिस्टेंस इज अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अगर आप एरिया हमारा कांस्टेंट है क्योंकि आप सिर्फ इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अब अगर इसको फाइव इक्वल पार्ट में कट करोगे तो ईच पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी एल बाई फाइव एल बाई फाइव एल बाई फाइव तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसको ये लेंथ कितनी हो जाएगी अगर टोटल लेंथ एल थी इसको फाइव इक्वल पार्ट में कट करोगे तो ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास एल बाई फाइव इसी तरह से दूसरे पार्ट की जो लेंथ आएगी वो हमारा दूसरा जो वायर होगा उसकी भी लेंथ एल बाई फाइव होगी इसी तरह से तीसरा वायर इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास एल बाई फाइव और हमारा चौथा वायर होगा इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी एल बाई फाइव इस तरह से हमारा जो पांचवा वायर होगा इक्वल लेंथ के होंगे और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास एल बाई फाइव तो यहाँ से देखो अगर ईच पार्ट का आप रजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से देखो रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल

यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रो एल डिवाइडेड बाई ए क्या था हमारे पास आर वन की वैल्यू आर वन डिवाइडेड बाई फाइव हो गया तो जो पांचों रजिस्टेंस थे उसकी जो वैल्यू आ जाएगी जब आप कट कर दोगे तो आपको पास पांच वायर हो जाएंगे जिसकी लेंथ कितनी थी एल बाई फाइव तो ईच वायर की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी आर वन बाई फाइव आर वन बाई आर वन बाई फाइव तो इस तरह से पांचों वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर वन बाई फाइव तो एक हमने कैलकुलेट किया आर वन बाई फाइव तो दूसरे वायर का भी रजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर वन बाई फाइव तीसरे वायर का रजिस्टेंस भी आर वन बाई फाइव चौथे वायर का भी रजिस्टेंस आर वन बाई फाइव और जो हमारा पांचवा वायर होगा उसका भी रजिस्टेंस आर वन बाई फाइव होगा आर वन क्या था टोटल रजिस्टेंस ऑफ दिस वायर जब इसकी लेंथ टोटल लेंथ टोटल थी तो उसका रेजिस्टेंस कितना था रो एल डिड बाई ए तो की जगह पे आप लिख सकते हो आर वन तो ये क्लियर हो गया अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन पांचों रजिस्टेंस को आप किस में कनेक्ट कन्वर्ट कर दो पैरल कॉम्बिनेशन तो इस तरह से अगर यहाँ पे डायग्राम देखो ये पहला रजिस्टेंस था उसकी वैल्यू कितनी थी आर ठीक और इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो तो क्या था हमारे पास आर वन डिवाइडेड बाई फाइव तो इसी तरह से सेम दूसरा वायर उसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर क्योंकि रजिस्टेंस तो इक्वली रहेगा तीसरा वायर भी इस तरह से उसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास आर चौथा वायर अगर देखो तो उसका भी रजिस्टेंस हो जाएगा आर क्योंकि ये पांचों वायर हमारा पैरल कॉम्बिनेशन में थे तो इस तरह से हमारे पास आ गया ये पांचों वायर कनेक्ट थे पैरल ठीक अब पैरल का मतलब क्या होता है ये पांचों वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हमारा सेम होगा इट मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस हमारा क्या है पैरल कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता होता है तो यहाँ से हमने कहा लेट्स से कोई एक बैटरी से अप्लाई कर दिया